भोपाल में उन्मेष और उत्कर्ष का यह आयोजन अपने आप में बहुत विशेष मायने रखता है और विशेष आकर्षण भी। इस अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत की राष्ट्रपति परम श्रद्धे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय माधव जी, संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन बहन संध्या पुरेचा जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी उमा नंदूरी जी, संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सरकार सुश्री उषा ठाकुर जी और देश भर से यहां उपस्थित संपूर्ण देश का साहित्य जगत यहां विविधता के साथ उपस्थित है और मैं सचमुच में गदगद प्रसन्न और आनंदित हूं कि यह सौभाग्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को मिला है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। दुनिया के विकसित देशों में जब सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। ये वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है जिसने सारे विश्व को संदेश दिया अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जिसके गांव का बच्चा बच्चा इस मंत्र का उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये वो धरती है जिसके ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुग्भाग् भवेत् का मंत्र दिया। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन सब सुखी कैसे हो? केवल भोजन से सुखी नहीं हो सकते। रोटी कपड़ा मकान केवल यही आवश्यकताएं नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण रूप से सुखी करना है तो शरीर के सुख के साथ मन का सुख भी चाहिए, बुद्धि का सुख भी चाहिए, आत्मा का सुख भी चाहिए। और मन बुद्धि और आत्मा का सुख अगर कोई देता है वो साहित्य संगीत और कला ही देती है। और आज वो कलाकार और साहित्यकार इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है। आज मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ वो वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा साहित्य, हमारे जीवन मूल्य, उसको कैसे निकाल के सामने ला रहे हैं। देखिए एक अलग दौर है ये। तब जब हमारी भारत की राष्ट्रपति स्वच्छता के स्थान स्वच्छता के लिए स्वयं झाड़ू लेकर निकलती है तो देश उत्साह और आनंद से भर जाता है और नई प्रेरणा प्राप्त करता है। तब जब हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर काशी में हो
या महाकाल महाराज के दर्शन करने जाएं और साष्टांग दंडवत और प्रणाम करते हैं तो देश हमारे पुराने मूल्यों को फिर से याद करता है। एक अद्भुत और नया दौर है सचमुच में, और उसी में से उन्मेष और उत्कर्ष जैसे कार्यक्रम अद्भुत है हमारे। देखिए इस देश में इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, हम कहते हैं अलग भाषा अलग देश, फिर भी अपना एक देश, लेकिन मूलभूत एकता है। और उन्मेष और उत्कर्ष के रूप में ऐसे कार्यक्रम जो हमारे साहित्यकार, हमारे कलाकार, हमारे संगीतज्ञ उनको सामने लेके आते हैं, तो सचमुच में उनको भी कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर सारी दुनिया को भी इकट्ठा करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश प्राचीन काल से कला और संस्कृति की संगम स्थली रही है। यहां कला, संस्कृति और वैभवपूर्ण अतीत और समृद्धशाली वर्तमान है। ये साहित्यकारों की कर्म भूमि और कलाकारों की प्रिय भूमि रही है। भीमबेटका का बाग, नचना कुठार, खजुराहो इसके सजीव और साक्षात प्रमाण हैं। और मध्य प्रदेश में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, कला और संस्कृति के राजाश्रय की प्राचीन परंपरा रही है। चाहे राजा भोज हो, चाहे माता देवी अहिल्या बाई हो, उन्होंने धर्म, संस्कृति, साहित्य और संगीत के संरक्षण में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। इस धरती पर पाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, पतंजलि, भर्तहरि, अनंगहर्ष, वत्सराज, केशवदास, पद्माकर और बिहारी जैसे रत्न हुए हैं। मैं सचमुच में इनके नाम लेके आनंद और गर्व का महसूस कर रहा हूं। लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद अलाउद्दीन खां जैसे कलाकारों को इसी मध्य प्रदेश ने जन्म दिया। यह सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। गोपाल शरण सिंह, दादा माखनलाल चतुर्वेदी, अभी आपने उल्लेख किया, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। हरिशंकर परसाई, बृंदावनलाल वर्मा, नरेश मेहता, अमृतलाल बेगर और भवानी प्रसाद मिश्र जैसे साहित्यकार इस माटी से उपजे, इसलिए मैं माटी, इस माटी को प्रणाम सचमुच में करता हूं। अनेकों पत्रकार, वेद प्रताप वैद्य, कविनीश जैन, प्रभाष जोशी, सुशील दोषी और सचमुच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कवि हृदय राजनेता को भी इसी प्रदेश, उनकी कर्मस्थली रही है। मैं आज एक बार फिर इस आयोजन के लिए, मध्य प्रदेश को यह सौभाग्य मिला इस आयोजन का, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है, आपने सही कहा कि साहित्य और कला और संगीत में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को वो एक रख सके। और इसलिए मेरा विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन ये कला, संगीत और साहित्य ही कराएगा। इसलिए एक बार मैं फिर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवियों